हेलो गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो सब? बढ़िया, आई होप अच्छे होंगे सब लोग। दुआ तो ये है मेरा आप लोगों के लिए। बाय द वे यार, अभी मैं कॉलेज से वापस आ रहा हूँ, सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ एक मेरे एग्जॉस्ट को लेके, क्योंकि मेरे बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो है रेप्लिका एग्जॉस्ट है। तो एक्टिव भी रेप्लिका एग्जॉस्ट, मतलब अभी एक्टिव भी का है, एक्जिल है किसी का, मैं इस चीज़ में डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊँगा किसका रेप्लिका है ये। कोई कोई बोल रहा है इसका है, उसका है, कोई कोई बोल रहा है ये फर्स्ट कॉपी है, पता नहीं कुछ भी है, लेकिन रेप्लिका है, सीधा बात है। हाँ, सो मेरे बाइक में जो एग्जॉस्ट है, जो आवाज़ है, अच्छा आवाज़ है, ज़्यादा जोर मतलब ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, किसी को दिक्कत नहीं देता, इससे नॉर्मल है। ओ ड्यूक दैट्स ब्यूटी। सो समझ रहे हो, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि मेरे हिसाब से मेरे बाइक में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब लोकल मार्केट से लोगे, मैंने एक दोस्त से लिया था, उसने इसको यूज़ किया था 2 महीना, उसके बाद मुझे दिया, ठीक है, तो मुझे सस्ते में पड़ा। शायद बहुत लोग बोले नहीं भाई आपको कॉस्टली मिला, पता नहीं, लेकिन मेरे बाइक के हिसाब से मेरा माइलेज बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है गाइस, बहुत कुछ। मतलब आप लोग मेरा माइलेज देखोगे, 30.1, ओके। सो ये मतलब सिटी ट्रैफिक में इस वजह से कुछ ज़्यादा कम हो जाता है, कभी कभी ये 35 भी दे देता है सिटी ट्रैफिक में, लेकिन ये डिपेंड करता है गाइस। और उसके साथ साथ जब हाईवे पे रहता हूँ तो ये 40 के आसपास देता है इस साइलेंसर में, इस एग्जॉस्ट में। सो समझ रहे हो कि कितना अच्छा है ये। अब मैं पता नहीं मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि ये कितना अच्छा होगा, क्यों आप लोग यूज़ करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग रेप्लिका लगाओ, शायद आपके बाइक को कोई प्रॉब्लम आ सकता है। बाइक हम लोगों का जान होता है, जिसके पास मोटरबाइक होता है उसको पता है, ये हम लोगों का जान होता है। तो गाइस मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को कि आप जाके रेप्लिका एग्जॉस्ट लगाओ। मैंने लगाया, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ मेरे बाइक में मैंने चेकअप कराया, इसका अभी तक कोई इशू नहीं आया, ना इशू ECU फिल्टर किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऊपर से मेरा बाइक का पिकअप बढ़िया है, सब कुछ सही है, लेकिन ये ज़्यादा दिन में नहीं रखने वाला हूँ क्योंकि बहुत आवाज़, जितना भी है आवाज़ तो है ना, क्योंकि सिटी ट्रैफिक में जाओ तो लोगों का ध्यान इधर उधर होता है, तो हर कोई देख रहा है घूम घूम के। सो ठीक है, ये अच्छा लगता है देखने में, लेकिन समटाइम्स ये ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अचानक से पिकअप लिया तो करके उठता है, नॉर्मली ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, लेकिन ये देखोगे, ये देखो अचानक से थोड़ा सा पिकअप लिया कि एकदम करके उठ रहा है, तो ये कभी कभी दिक्कत कर देता है। और मैं नहीं चाहता इस वजह से पब्लिक को भी परेशानी हो और पुलिस वाले कोई भी मुझे कोई परेशानी हो इस वजह से, सीधा बात है गाइस। और ये ज़्यादा से ज़्यादा और एक महीना मैं रखूँगा, 10,000 कंप्लीट कर लूँगा इस एग्जॉस्ट से, फिर मैं इसको छोड़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आपका दिखा रहा हूँ कितना हुआ है, या ऑलरेडी मेरा 7,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है, तो और एक डेढ़ महीने में मेरा 10,000 के करीब हो जाएगा, सर 9,000 हो जाए, क्योंकि फ़िलहाल में मैंने फ्लैट लिया है, बहुत कुछ करा है, तो गाइस इसमें थोड़ा खर्चा हो गया है। तो ये एग्जॉस्ट खोल के मैं रखूँगा, बाद में यूज़ भी कर सकता हूँ, पता नहीं अगर अच्छा कोई पार्टी है, अच्छा कोई डील मिला तो बेच भी दूंगा इसको, कोई भरोसा नहीं है मेरा, अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन फिलहाल एक दिन महीना है मेरे बाइक में, क्योंकि मैं इसको पूरा 10,000 कंप्लीट करना चाहता हूँ, फिर अच्छे से देखना चाहता हूँ कि रेप्लिका एग्जॉस्ट लगाने से क्या प्रॉब्लम होता है। मैं भाई अपने बाइक के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ना तो कि आप लोगों को सजेस्ट करो आप लोग जाके लगाओ, ठीक है गाइस। मैंने इससे बाइक का एग्जॉस्ट का मैंने फिर 2 एग्जॉस्ट का वीडियो डाला, मेरे एक भाई का भी सेम बाइक है, उसने इससे पूरे का एग्जॉस्ट लगाया है, और मेरे इस बाइक में देख रहे हो, सो ये वाला एग्जॉस्ट मैंने लगाया है, सो दिस इज़ द थिंग गाइस। बट और बाय द वे कोलकाता में इट्स टू हॉट आउटसाइड, घर से बाहर निकलोगे एसी से बाहर मतलब समझ लो बॉयल्ड होने वाले हो आप लोग। आप लोग क्या, मैं तो खुद हो रहा हूँ फिलहाल। अब मुझे राइट जाना है, राइट जाना है, राइट जाना है, चलो चलो राइट, चलो राइट, चलो राइट, हाँ चलो। ये रास्ता पूरा खाली खाली रहता है, ये पूरा बाईपास की तरह है यहाँ पे, ये देख लो आवाज़ गाड़ी का, शायद हेलमेट के अंदर उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आवाज़ हो रहा है ये, जो मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा दिन तक, क्योंकि पता नहीं अभी तक मेरे बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्या पता फ्यूचर में हो जाए, इसलिए मैं चेकअप करवाता रहता हूँ इसका, फिर भी सावधानी बरतना तो चाहिए ना गाइस। तो इसी वजह से भी मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर रेप्लिका लगाओगे गाइस, या फिर ओरिजिनल मिल जाए तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रेप्लिका लगाओगे तो ध्यान से उसको हर टाइम चेकअप करवाना, एक दिन महीने बाद
ठीक है, कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ हुआ, अब सर्विस सेंटर से या अच्छे कोई मैकेनिक कोई भी जिसके ऊपर आपको भरोसा है जो आपको सही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिक है जो आप वो गलत भी बता देता है। सो वो आप लोग ध्यान में रखो, आप लोग यूज़ करोगे तो वैसा देख के यूज़ करना। और मेरे हिसाब से भाई जो लगाया है मैंने खुद, ये लीगल है, ये लीगल नहीं है, लेकिन बाहर के एरिया में जैसे यूएस या उस साइड चले जाओगे आप लोग तो ये आपको लीगली है, वहाँ पे आप लोग रेसिंग एग्जॉस्ट आप लगा सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है अलग से। लेकिन कोलकाता में, हमारे वेस्ट बंगाल इंडिया में पता नहीं है कि ऐसा कोई रूल, मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे कुछ मिला तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा इसके बारे में। सो अब देखते कुछ है तो अगर मुझे अच्छा कोई बाइक लूँ उसके बाद मैं अच्छा सा एग्जॉस्ट लगाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन ये जो है इसमें रूल्स रेगुलेशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये नकली है गाइस, नकली के ऊपर कौन आपको ये लाइसेंस देगा, तो सीधा बात है समझो। तो अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो अपने जिम्मेदारी पर लगाना, अपने बाइक पर कोई जैसे परेशानी ना हो। सो बस दैट्स इट, देखो ड्यूक मैं ड्यूक एक छोटा नहीं बड़ा ही बोल सकता, मेरे एज के ये 20-21 साल का लड़का ही चला रहा है। अच्छा ड्यूक भाई बहुत हाई पिकअप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत हाई पिकअप है उसका। चलो राइट का ऑप्शन मिल गया, राइट ही ले लेते हैं वो। सो यही बताना था आप लोगों को, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, आप लोग टाइम देख के समझ गए होंगे। और गाइस जो गुड न्यूज़ आप लोगों को हेडिंग में दिख रहा है, ये गुड न्यूज़ क्या है, ये जो हेडिंग में आप लोग दिख रहा है गुड न्यूज़, ये गुड न्यूज़ है क्या? मैं जब उड़ीसा गया था पिछले बार, वहाँ पे मैंने आप लोगों को किसी से मिलवाया था, मेरी बहन गुड्डी, मेरा नाम गुड्डू है उसका नाम गुड्डी है, ठीक है। सो तो वो आ रही है क्योंकि मेरे जो नया फ्लैट है उसका गृह प्रवेश है, तो मैंने उसको इनवाइट किया है कि बोला कि आ जाओ, मैं ना क्योंकि वो कभी कोलकाता आई नहीं इससे पहले, तो फर्स्ट टाइम है उसका उसकी सॉरी गाइस हिंदी में थोड़ा वीक हूँ, तो बस वो आ रही है। अब तो और मज़ा होने वाला है क्योंकि घर ले लिया, बहन आ रही है, यहाँ पे घूमेंगे, घर का भी सेटअप करवाना पड़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा बिजी रहूँगा, ज़्यादा शायद नहीं घूम पाऊँ, लेकिन जितना भी घूमूंगा डेली ब्लॉग तो अब आ रहा है एक एक दिन छोड़ के, क्योंकि वो आ रही है कल, मतलब आप जब ये वीडियो देख रहे होगे वो आ रही है, वो आ गई है शायद, वो 4:30 बजे तक उतरेगी, तो ये वीडियो मैं कल डालूंगा, आप जब लोग देखोगे वो 4:30 बजे आ जाएगी इसका मतलब, ठीक है। सो इंतज़ार करो, अच्छा अच्छा ब्लॉग, इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, कोलकाता में जितने सारे जगह है मैं घूमूंगा उसको लेके, वहाँ पे जाके स्वागत भी रहेगी मेरे साथ शायद, तो हम लोग घूमेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, मस्ती करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, और बोलूँगा कि आप लोग भी जाओ, आप लोग भी मज़े करो यार, सबको हक है मज़े करने का, क्या बोलते हो? सो आज और बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं भाई भाई मोटो ब्लॉग लाओ, मोटो ब्लॉग जो बाइक से होगा। सो सीधा बात है यार, आज मोटो ब्लॉग है पूरा का पूरा, जो भी मैंने बताया आज पूरा मेरे बाइक से बताया, पसंद आया कि नहीं वो बताओ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मैं ऐसे ही चलते चलते बात करूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं अपना फेस दिखा के बात करूँ वैसे बात करूंगा, आप लोगों को जो चाहिए वो बताओ यार, कमेंट ना उनका दो, तब ना मुझे पता चलेगा, तब ना मैं आप लोगों का पास आपका बात समझ पाऊंगा, सीधा बात है। और यार जो लोग गलत कमेंट करते हो ना, उस लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, कमेंट कर रहे हो ध्यान रखे करो यार, किसी को गाली दोगे तो भाई आपको भी 2-3 गाली मिल सकता है किसी से, आपको कैसा लगता है अगर आपको कोई गाली देता है? सो कमेंट करोगे तो भाई देख के करो ना, अगर आपको कुछ गलत लगा मेरे वीडियो में तो बताओ डायरेक्ट कि भाई आपका वीडियो में ये चीज़ गलत बोले हो आप, आपने ये गलत किया है, तो अगर मैं सुधार सकूंगा तो मैं ज़रूर सुधारूंगा उसको, मैं कब बोलूँगी मैं नहीं सुधारूंगा। सो प्लीज़ गाइस जो भी देख रहे हो वीडियो, आप लोगों से विनती है मेरा कि गलत कमेंट करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, आपको कोई गाली देगा तो आपको ऐसा लगता है मुझे कोई, मैंने कुछ नहीं किया फिर भी आप लोग गाली दोगे, और मैंने कुछ किया उसके वजह से वो सही से बोलोगे तो मैं उसको सही करूँगा, अगर आप गाली दोगे तो मैं भटक जाऊँगा ना रास्ता। लेकिन ठीक है कोई नहीं, हेटर सबका रहता है, मेरा भी है, तो अब देखो यार आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपके पीछे हेटर्स होंगे। और आज का वीडियो स्पेशली और एक है, फाइनली मेरा 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया गाइस, 3000 मतलब मैंने स्टार्ट किया था इस साल में और मेरा कम से कम 100 उसके हिसाब से 3000 यार गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।
जिन्होंने मुझे हेल्प किया मेरे 3000 सब्सक्राइबर गेन करने के लिए. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल. एंड गाइज, आज का वीडियो और लंबा नहीं होने वाला है, आज का वीडियो यहीं पे एंड होने वाला है, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ घर, और घर जाके मुझे अपने नए फ्लैट का जो काम है वो देखना पड़ रहा है, क्योंकि वॉलपेपर लग रहा है तो वहाँ पे तो जाके काम भी देखना है, बहुत कुछ करना है, ऊपर से शाम को जिम भी जाना है, ट्रेनिंग करवाना है, तो समझ रहे हो ना, बहुत हेक्टिक टाइम टेबल चल रहा है मेरा अभी. लेकिन अल्टीमेटली मुझे भरोसा है खुद के ऊपर कि शायद सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और आप लोगों का प्यार तो है ही. ओके, सो गलत कमेंट करने वालों, वेलकम टू माय हेटर्स फैमिली. ओके, आप लोगों की फैमिली के हिस्से हो, कोई दिक्कत नहीं है. और जो मुझसे सच में प्यार करते हो, मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी कर लिए, तो 3000 लोगों को भाई सबको मेरा प्रणाम. सच्ची में यार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल. चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते. अरे यार, मैं बात करते करते आ रहा हूँ सामने से, हॉर्न देना मैं भूल गया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ही गलती था, हॉर्न देना चाहिए था मुझे. चलो कोई नहीं, सॉरी. आप लोग ध्यान रखना रास्ते में गाड़ी चलाते हुए. ओके गाइस, चलो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में. अभी मैं जा रहा हूँ घर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. अब तो गाइस हर दिन ब्लॉग आने वाला है और आप लोगों को और मज़ा आने वाला है. ओके, वेट फॉर दैट. Till then, bye-bye.